मुसलमान महिलाओं ने क्या किया है कि इस सारे आंदोलन को लीडरशिप दी है, वो खुद सड़क पे आई हैं। जब उन्होंने देखा, वही तो मैंने यहाँ पे स्पीच में भी बोला कि समाज जब भी खतरे में रहता है तो औरतें ज़्यादा जिम्मेदार हो जाती हैं और उनकी जिम्मेदारी घर से बाहर भी सड़कों पे भी निकल के आती है। वुमेंस बैंक की सेक्रेटरी हैं और हमने और दिल्ली स्टेट ने इसको ज्वाइन किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है हमने इसको ये प्रोग्राम। और हम लोग चाह रहे थे कि जो स्ट्रगल है, वुमेंस स्ट्रगल है CA, NRC और NPR के बारे में, तो हम जो है उसको हाईलाइट करें, बताएं कि हमारी जो वुमेंस है कैसे आगे आई हैं, कैसे उन्होंने जो है इसमें अपना रोल अदा किया है, इसको हम लोग सामने लाने की कोशिश करें और बताएं कि जो है कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं माइनॉरिटीज़ न्यूज़, मैं आपके साथ जून मैसी। हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में कुछ महिलाओं के द्वारा, जो मुसलमान महिला है उनके द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और वहाँ पर मीडिया को भी इनविटेशन दिया गया था, लेकिन वहाँ पर कोई भी मीडिया नज़र नहीं आए हैं। चलिए हम ले कर चलते हैं उन महिलाओं के पास। मैं जून मैसी, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब में और यहाँ पर जमायत इल्मा हिंद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हुए थे, लेकिन यहाँ पर मैम, योर नेम? रहमतुन्निसा, आई एम द नेशनल सेक्रेटरी, को सेक्रेटरी ऑफ जमात इस्लामी हिंद विमेंस विंग। वी हैव ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम टू सैल्यूट एंड ऑल्सो टू डिस्कस ऑन द स्ट्रगल दैट आवर वीमेन आर टेकिंग अहेड। एंड एक्चुअली पूरे मुल्क में ये आंदोलन चल रहा है, इसमें पूरा लोग के लिए एक मैसेज। अर्लियर इट वॉज लाइक इन एवरी वीमेंस डे पीपल यूज टू टॉक अबाउट हाउ वीक वीमेन आर, हाउ ऑप्रेस्ड वीमेन आर, हाउ दे आर नॉट टेकन केयर एंड दे आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग इंडियन वीमेन आर, हाउ दे हैव इवन इन ऑल दो शाहीन बाग, इवन इन द कोल्डेस्ट नाइट्स एंड द अर्ली मॉर्निंग्स, दे वर एबल टू सर्वाइव एंड दे वर एबल टू डेयर आउट एंड पॉइंट फिंगर्स एट द पुलिस एंड ऑल्सो द अथॉरिटीज एंड टॉक टू दम दैट वॉट यू आर डूइंग इज रॉन्ग। They were able to point this out, and now even now they are going on with their struggle. So we want to salute all the Falcons, all the Shahinon ko salam. Thank you, ma'am. Ma'am, आपका नाम? मेरा नाम सुचारिता है, मैं लोकराज संगठन से हूँ। ये कहना चाहते हैं कि जो देश आज हमारे देश की महिलाओं की जो दुनिया भर में चर्चा हो रही है, और जब किसी आवाम की महिला इस प्रकार उठकर सत्ता को चैलेंज करती है और दिखाती है कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, तो महिला जो है ना, वो महिला नए जन्म, नए नई पीढ़ी को जन्म देती है, वो महिला नई पीढ़ी को नर्चर करती है, एडुकेट करती है, समाज के कायदे कानून सिखाती है, और वो महिला मजदूर भी है, शिक्षक भी है, डॉक्टर भी है, नर्स भी है, होम मेकर भी है, और वर्कर भी है, और किसान भी है, और हर चीज़ है। और वो महिला जब उठकर सत्ता को चुनौती देती है तो सत्ता को दोबारा सोचना है कि उसको उसका जो उसके दिन जो अत्याचार और जुल्म पे आधारित उसके दिन गिने हुए हैं, यह समाज बदलने वाला। लेकिन मैम, जिस तरीके से शाहीन बाग का है मैटर, या देश भर में अलग अलग जगहों पे हो रहा है, और आज के दिन में आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं कि औरतों के अंदर बहुत ताकत है, उनके अंदर साहस है। अगर वो अपने साहस का पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ती हैं और देखती हैं कि जो हालात ख़राब हैं उन हालात को सुधारना है, तो उससे एक बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है, बहुत सारा उसके अंदर लोगों के लिए जज्बा पैदा हो सकता है, लोग आगे बढ़ते हैं उसके ज़रिए, उन लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है। वो इसका कोई मसले का हल, इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाले बगैर तो वहाँ से हटने वाली नहीं है। इस तरह की चीज़ें तो आई हैं, लेकिन हम इसका कुछ एंड ऐसा हो, या तो इसको वापस लिया जाए, या फिर इसके सिलसिले में जो भी है हमारी सरकार बात करे, तभी जाकर ये चीज़ ख़त्म हो सकती है। मुसलमान महिलाओं ने क्या किया है कि इस सारे आंदोलन को लीडरशिप दी है, वो खुद सड़क पे आई हैं। जब उन्होंने देखा, वही तो मैंने यहाँ पे स्पीच में भी बोला कि समाज जब भी खतरे में रहता है तो औरतें ज़्यादा जिम्मेदार हो जाती हैं और उनकी जिम्मेदारी घर से बाहर भी सड़कों पे भी निकल के आती है।
तो उन्होंने उन्होंने ये किया है कि ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है आज देश के सामने, क्योंकि जो पूरा संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ही बदला जा रहा है। और ये भी हम सोच लेते हैं कि एक बार संविधान बन गया तो वो सुरक्षित रहेगा, हमारे संविधान में ये सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन उसको मेंटेन करने का, उसके इंटरप्रिटेशन का, उसके डायनामिज्म को मेंटेन करने का जो जिम्मा होता है वो हमेशा आवाम पे होता है एक लोकतंत्र में। ये जो आंदोलन है ये कुछ और ही रंग पकड़ता अगर मीडिया ने अपना वाकई जो उसका रोल होता है कि वो सोसाइटी और समाज की सच्चाई को दिखाए, अगर उसने अपना रोल ये प्ले किया होता तो आज इस आंदोलन का रंग ही कुछ और होता। आप लोग भी मीडिया से हैं तो कम से कम ये जो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब मीडिया को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है एक लोकतंत्र में, लेकिन जिस तरह से उनकी भूमिका रही है वो हमेशा से ही सेलेक्टिव रही है, लेकिन आज के दौर में वो और भी ज़्यादा। ये देखिए फॉल्स प्रोपेगेंडा ये तो होगा और अभी से नहीं हो रहा, ये फर्स्ट डे से हो रहा है। और आप देखिए कि उसमें कभी तो ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जो उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ऐसे लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रोटेस्ट चल रहा है इतनी सारी स्टेट की कोशिशों के बावजूद वो उसको ख़त्म नहीं कर सके हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट है, आगे भी ये अचीवमेंट जारी रहेगा। ये दूसरी बात यह है कि अभी मीडिया का जो कैरेक्टर हमारे सामने है, देखिए अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मैडम तो उस पर रिसर्च किया बता रही हैं इस तरह की चीज़ों पर, तो ये आंदोलन जो उठते हैं, आप पहले का आंदोलन देखिए, पहले जब हमारे हाथ में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आज हमारे पास एक अनदर प्लेटफॉर्म वी हैव, हम उसको यूज़ करेंगे, उसके ज़रिए से दुनिया जागरूक हो रही है।